नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अपना क्या चल रहा था सब्जेक्ट में, सेल डिवीजन बायोलॉजी में, और मैंने क्या पढ़ लिया था आपको, मैंने क्या पढ़ा दिया था, समसूत्री कोश के विभाजन, माइटोसिस, सेल डिवीजन, है ना। और बचा क्या है आपका, अर्धसूत्री कोश के विभाजन, मियोसिस, सेल डिवीजन। और मैंने इसका बेसिक्स पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि किन प्रकार की कोशिकाओं में होता है, एक्चुअली में डिवीजन होता क्या है, विभाजन होता क्या है, और इसकी आवश्यकता क्यों है। मैंने लाभ भी बताए थे इसके, है ना। तो पहले यदि आपको ये लेक्चर देखना है तो उससे पहले आपको 10 मिनट पहले वाला लेक्चर देखना है जिसमें मैंने आपको माइटोसिस, सेल डिवीजन पढ़ाया हुआ है। तो मान के चलो कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, किसमें, मानव में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यदि जोड़े की बात करेंगे तो कितने जोड़े, 23 जोड़े। और मैंने इनको दो भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में विभाजित किया था। वो दो भाग कौन से थे, एक था आपका ऑटोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम, और एक था आपका एलोसोम क्रोमोसोम, है ना। इन 46 गुणसूत्र में से कितने गुणसूत्र ऑटोसोम क्रोमोसोम थे और कितने गुणसूत्र एलोसोम थे। ऑटोसोम का अर्थ होता है समरूपी, जो एक समान हो, मेल और फीमेल में, पुरुष और महिला में। यदि ये 22 जोड़े किसी लड़की में हैं तो वैसे ही आप में भी हैं। और यदि यह एक जोड़ा मानकर चलिए किसी लड़की में है तो वो आप में भी है कि नहीं। अब इन ऑटोसोम क्रोमोसोम में जो डिवीजन हुआ था, जो विभाजन हुआ था, और उस विभाजन को नाम दिया था मैंने समसूत्री कोश का विभाजन, दिया था कि नहीं दिया था, पहले लेक्चर में बताया था, माइटोसिस, सेल डिवीजन। और यदि कोश का विभाजन या कोशिका का विभाजन, यदि कोशिका का विभाजन उसमें हो, किन कोशिकाओं में, जिसमें एलोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें विषम रूपी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका जिसमें एलोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका को क्या कहा जाता है। एलोसोम क्रोमोसोम कौन कौन थे आपके एक जोड़ी में, मेल में पाए जाते थे ये, यदि मेल की बात करें तो मेल में XY थे और फीमेल में XX थे, है ना। तो एलोसोम क्रोमोसोम की कोशिका में यदि विभाजन होता है तो पहले तो इस कोशिका का नाम क्या होगा ये बताइए। इस कोशिका को कहा जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका। अच्छा, अब विभाजन किसमें करना है, इसी प्रजनन कोशिका में, है ना। तो एक कोशिका विभाजित होकर एक से अधिक बनाए जाओ तो इस प्रक्रिया को बोल जाता है विभाजन। और यदि यह विभाजन कोशिका में होता है तो वह कहलाएगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल में, प्रजनन कोशिका में होने वाले विभाजन को क्या कहते हैं, तो एलोसोम क्रोमोसोम जिस कोशिकाओं में पाए जाते हैं उस कोशिका में होने वाले विभाजन को कहा जाता है मियोसिस, सेल डिवीजन। तो क्या आपको यही पढ़ना है, हाँ आपको यही पढ़ना है, इसी का विभाजन करना है, इस सेल का विभाजन करना है आपको, प्रजनन कोशिका का। इसी प्रजनन कोशिका के द्वारा आपका निर्माण होता है, इसी प्रजनन कोशिका के द्वारा पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाता है, है ना। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये था आपका विषय। अब देखो इसकी खोज किसने की, ये भी जरूरी है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी खोज है जो दो साइंटिस्ट ने की, कौन कौन से दो साइंटिस्ट, एक था फार्मर और एक था मुरे। फार्मर एंड मुरे ने मिलकर इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को बताया, इसकी खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट
मटेरियल फॉर मियोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ, सबसे बेहतरीन, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, वो कौन सा है? तो वो है आपका प्याज का पराग कोष, प्याज का पराग कोष, सर्च कर लेना, पराग कोष को बोला जाता है एंथर, एंथर ऑफ यूनियन, एंथर को डालना, एंथर ऑफ यूनियन गूगल पे आपको मिलेगा विद शानदार फोटो, देखना कैसा होता है वो। प्याज का पराग कोष वेस्ट मटेरियल होता है मियोसिस के लिए, कोशिका विभाजन के अध्ययन के लिए, और एक्चुअली में यह मियोसिस सेल डिवीजन होता है कितने प्रकार का है ना, उनके प्रकार को पढ़ोगे तभी तो आप इस डिवीजन को कंप्लीट कर पाओगे। तो यह मियोसिस सेल डिवीजन एक्चुअली में दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन से? कुछ नहीं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट, ऐसे ही नाम दिया जाता है इसको, एक होता है आपका मियोसिस सेकेंड। अच्छा, ये क्या बता दिया, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड, क्या इसमें फिर काय कोशिका आएगी, क्या इसमें फिर प्रेजेंट कोशिका आएगी? नहीं, एक्चुअली मैं अब डिवीजन मियोसिस सेल पढ़ रहे हूँ, मियोसिस सेल डिवीजन, तो इसमें पूरी के पूरे डिवीजन में प्रेजेंट कोशिका ही भाग लेगी, एलोजम क्रोमोजम ही भाग लेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड नाम क्यों दिया गया, है ना? यदि आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो फिर इसके भी पांच भाग होते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, है ना? आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन जितना बताऊंगा वो पूरा कवर करेगा आपका। अब देखते चलो, मैंने इस कोशिका में करा डिवीज़न, है ना? जब डिवीज़न किया तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी थी? 2n, अर्थात यह कोशिका कैसी है? डिप्लॉयड, द्विगुणित, कैसी है? डिप्लॉयड। है ना? और जब मैंने इस कोशिका में डिवीजन किया और समसूत्री विभाजन में मैंने बताया था, बार बार रिपीट होगा क्योंकि वो बेसिक है, यदि बेसिक कवर नहीं करोगे तो ये समझ में डायरेक्टली नहीं आएगा, उसको पढ़ो पहले, आपको मजा आएगा उसमें। तो डिप्लॉयड कोशिका में जब विभाजन होगा तो समसूत्री में तो संख्या समान रहती थी, यदि इसमें 46 है तो डिवीजन के बाद जो कोशिका बनती थी आपकी, इसमें भी कितने होते थे? इसमें भी 46 होते थे, इसमें भी 46 होते थे। लेकिन ऐसा इस मियोसिस फर्स्ट में नहीं होगा, इस मियोसिस फर्स्ट में ऐसा नहीं होता। यदि इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है तो कोशिका के विभाजन के दौरान यह संख्या आधी हो जाती है, यदि इसमें 46 है तो इसमें भी 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे। ऐसा क्यों होता है आगे मालूम चलेगा, है ना? और इस प्रकार की विभाजन को, कोशिका विभाजन को नाम दिया जाता है मियोसिस फर्स्ट, अर्थात मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉयड क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉयड हो जाते हैं, आगुणित हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं, एक बचता है आगुणित, मतलब आधी हो जाती है संख्या, आधी हो गई, ठीक है। तो इसमें लिखोगे क्या आप मियोसिस फर्स्ट में? इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है मियोसिस फर्स्ट में, है ना? अर्थात क्रोमोजोम की संख्या भी आधी हो जाती है। और कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? अच्छा, मैंने बताया था कि जिस सेल में डिवीजन होता है उस सेल को नाम क्या दिया जाता है? पेरेंट सेल। कौन सी सेल? पित्री कोशिका, पितृ या मातृ कुछ भी लिख सकते हो हिंदी में। और एक्चुअली में इसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं आपके एलोजम क्रोमोजोम, तो इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी कहेंगे फिर, एलोजम क्रोमोजोम।
क्रोमोजोम। और जिस कोशिका में एलोजोम क्रोमोजोम पाए जाते हैं उसको नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव सेल। इधर लिख लो रिप्रोडक्टिव सेल। हाँ, और इसमें जो डिवीजन होगा उसको म्यूसिस बोलते हैं। लेकिन म्यूसिस फर्स्ट में इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या भी मान के चलो कितनी है, दो है, तो इसमें एक हो जाएगी, इसमें भी एक रहेगी, इसमें भी एक रहेगी, अर्थात दो है। तो ये कैसा है, डिप्लॉइड है, और एक एक बची तो कैसी होगी, कि उसका हैप्लॉइड है वही है ना। और इस विभाजन को नाम क्या दिया गया, म्यूसिस फर्स्ट। लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें है इसमें कि जो म्यूसिस सेकेंड है, म्यूसिस सेकेंड है जो, यह किसके समान होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, यह किसके समान होता है, तो यह होता है समसूत्री कोशिका विभाजन के समान, समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई चेंज नहीं होता था। तो अब कोशिका आपके पास हैप्लॉइड है, अब यह एन भी आदि हो जाएगी, तो क्या एन बटे टू होगा, ऐसा तो होगा नहीं, इसमें क्रोमोजोम तो ऐसा तो चक्कर है नहीं, इसमें मेहतियत तो इतनी ज्यादा होती। लेकिन इसमें जो डिवीजन होगा, अब हैप्लॉइड सेल्स में यदि इसमें संख्या एन है तो इसमें भी संख्या एन रहेगी, अर्थात इसमें संख्या यदि 23 से मान के चलो, तो जो आपकी डॉटर सेल बनेगी उसमें भी संख्या 23 ही होंगी। और पेरेंट सेल में डिवीजन होने के दौरान कौन सी सेल बनती थी, कौन सी सेल है ये दोनों के दोनों, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल है ना। अब इन कोशिकाओं में होगा कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड किसके समान होता था, समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान समान होता था। तो यह डिवाइड होगी और दो कोशिकाएं बनाएंगी, यह भी डिवाइड होगी और फिर दो नई कोशिका बनेंगी, कितनी, फिर दो नई कोशिका बनेंगी। लेकिन गुणसूत्र की संख्या चेंज नहीं होगी, यदि इसमें एन है तो इसमें भी एन होगी, इसमें भी एन होगी, इसमें भी एन है तो इसमें भी एन होगी, और इसमें भी एन ही होगी। और जो यह डिवीजन हुआ है पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा डिवीजन कहलाता है आपका म्यूसिस सेकेंड ए वी है, और म्यूसिस सेकेंड ए वी है, ए वी है और ए वी है, इसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। यदि आप सोचो कि मेरे पापा में मान के चलो 46 गुणसूत्र हैं, मम्मी में भी 46 है, तो फिर ऐसे तो 25 में 46 के दूनी हो, दो गुणा कर दो है ना, 92 जितना भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे में कर दो गुना, तो गुणसूत्र की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, गुणसूत्र की संख्या बढ़ते जाएगी। और गुणसूत्र की संख्या बढ़ते जाएगी तो फिर विभिन्नताएं होंगी, अलग अलग प्रकार के बच्चे आएंगे, फिर वैसे भी आज दुनिया बदल रही, पता नहीं कहो एलियन पैदा हो जाए कोई है ना। देखो गुणसूत्र की संख्या ही तो पूरा खेल है, उसकी संख्या में परिवर्तन तो आपकी बॉडी में चेंजेस, आप कैसे भी हो सकते हो है ना, तो फिर आपको शायद समाज स्वीकार भी नहीं करे, यार ये ऐसा इंसान हो गया, ऐसा हो गया है ना, शादी ना हो फिर आपकी है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ये मेजर प्रॉब्लम है आज के समय में, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए गुणसूत्र की संख्या को, गुणसूत्र की संख्या को ध्यान से सुनना, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखने के लिए यह कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। और इसीलिए म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकेंड इसके पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें तो यह गुणसूत्र की संख्या आदि कर देता है, लेकिन यह गुणसूत्र की संख्या म्यूसिस सेकेंड समान कर देता है ना। तो जितने गुणसूत्र की संख्या पेरेंट में थी उतने ही गुणसूत्र की संख्या
किस में होगी? फिर से उसके संतान में होगी, उसके बच्चों में होगी। लेकिन 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 मियोसिस फर्स्ट के लिए ये जो कोशिका हैं इनके लिए तो ये डॉटर सेल्स हैं, सीधी सीधी बात है। लेकिन 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 मियोसिस सेकंड के लिए ये जो डॉटर सेल हैं आप बताइए किसका काम करेंगी? पेरेंट सेल का। किसका काम करेंगे ये डॉटर सेल? पेरेंट सेल का, इनके लिए। तो इनके लिए यह कोशिका, यह डॉटर सेल क्या बन जाएंगी इनके लिए? पेरेंट सेल। इधर पर लिख दे रहे हैं, दिख रहा पेरेंट सेल। और यह डिवाइड होकर अगेन ये कौन सी सेल्स हो जाएंगी? डॉटर सेल। है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मियोसिस सेल डिवीजन में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी डॉटर सेल का निर्माण होता है? ओवरऑल कितनी डॉटर सेल का निर्माण होगा? चार। कितना आंसर करना है? चार। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, मियोसिस सेल डिवीजन में चार डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है। अब इस कोशिका विभाजन से थोड़ी सी वेरिएशन उत्पन्न होती है, महत्व बता रहा मैं आपको। मियोसिस सेल डिवीजन से वेरिएशन उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। इन विभिन्नताओं के द्वारा इवोल्यूशन होता है आपका, आपका विकास होता है। और जब आपका इवोल्यूशन होगा, उद्विकास होगा या विकास होगा, तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बनेंगी, नई जातियों का निर्माण भी होगा, उत्पत्ति भी होगी उनकी इस डिवीजन के द्वारा, है ना? तो नोट डाल के लिख लेना कि मियोसिस सेकेंड यह है समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होता है और इसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, है ना? अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, जो इसके पांच भाग होते हैं ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकाइटीन, इन पांच भागों में से केवल एक क्वेश्चन आता है, तो वो मैं क्वेश्चन करा देता हूं, पांच भागों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो वो क्वेश्चन कैसा है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मन को भावे भावे तेरी गलियां। देखो ये है आपका एक क्रोमोसोम, ये रहा, मैं इसमें थोड़ा लाइन बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, है ना? देखो इस क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं आपस में समान हैं। इस क्रोमोसोम की किसकी? इसकी और इसकी दोनों भुजाएं आपस में समान है, इसीलिए इस क्रोमोसोम को नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमोसोम। कौन सा? सिस्टर क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनकी भुजाएं आपस में समान हो, इसकी भी समान है तो ये भी सिस्टर क्रोमोसोम हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। नहीं तो इसके साथ जाति भेद हो जाएगी। ये भी क्या है? सिस्टर क्रोमोसोम। ठीक है। लेकिन देखो क्या इन दोनों की भुजाएं आपस में समान है? नहीं है ना, नहीं है ना, इन दोनों की भुजाएं आपस में समान है ही नहीं, कतई जहर बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम। है ना? और
इन पांचों अवस्थाओं में बता रहा है, एक अवस्था में नहीं, इन पांचों अवस्थाओं में से पेकाइटिन अवस्था में, किसमें, पेकाइटिन में यह गुणसूत्र की ये भुजा इसमें चली जाती है, जुड़ जाती है कटकर, और इसकी इसमें जुड़ जाती है। तो देखो निर्माण कैसे होता है, मैं इसको भी जोड़ दूँ तो बराबर निर्माण हो जाएगा। देखो कैसे होता है, देखो इधर बता देता हूँ, अब ऊपर काला ही लेना पड़ेगा तब मजो आएगा। लो है ना, इधर लाल ले लो, ये छोटा हो गया रे, ये बड़ा हो गया, चलो समझ ले काला ही कर देते छोटा बराबर। लो बराबर हो गए, इसमें लाइनिंग थी थी, एक कटकर आपस में जुड़ जाते हैं, इसकी वजह इसमें चली जाती है। अब मैं देखो इसका अगला फॉर्म कैसा बनाता हूँ समझने के लिए, आपके लिए समझ लो, मैंने तो वैसे अभी अभी बता दी आपको, ये सेम का सेम है। अगला फॉर्म कैसा बनता है देखो, कटेगी इसकी भुजाएं और जुड़ेगी नई भुजा लाल वाले की, ये जो कट गई देखो अभी कहाँ कट गई, अब इसको इधर से काटना पड़ेगा, इधर से इधर भी कट जाओ मेरे लाल, कट गई, बस देखो यूँ बनी, ये भी कट जाएगी, यूँ बनेगी इधर भी। अब इधर जुड़ेगा कौन आपका, वो दूसरा क्रोमोसोम ए वाला लाल वाला है ना, ऐसे ऐसे है ना। तो जिस स्थान पर क्रोमोसोम जुड़ते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जिस स्थान पर, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस बिंदु को बोला जाता है कायज़मेटा बिंदु, कायज़मेटा बिंदु है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि यह कायज़मेटा बिंदु का निर्माण किस अवस्था में होता है, निर्माण और दिखाई किस अवस्था में देता है ना। तो इस कायज़मेटा बिंदु का बिंदु निर्माण होता है पेकाइटिन में, कौन सी अवस्था में याद कर लेना, लिख लेना नोट में, कायज़मेटा बिंदु का निर्माण होता है पेकाइटिन अवस्था में, जबकि यह दिखाई देता है डिप्लोटीन अवस्था में, और यह दोनों अवस्थाएं मियोसिस फर्स्ट की हैं। नोट डाल के लिख लेना या फिर याद ही कर लेना, या फिर यदि समझ में नहीं आए इससे अच्छा तो हो नहीं सकता। तो कायज़मेटा बिंदु का निर्माण होता है पेकाइटिन में और दिखाई किस में देता है डिप्लोटीन में, है ना। तो ये रहा आपका ओवरऑल कौन सा अर्धसूत्री को उसका विभाजन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। खोज किसने की, फार्मर एंड मुरे ने, किस में होता है रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव कौन सी सेल कहलाते हैं जिनमें ऑल एट एलोजम क्रोमोजम पाए जाते हों, है ना, ऐसी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल, और इनमें कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं टोटल ओवरऑल, चार। म्यूसिस फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है कि आधी रहती है, तो आधी हो जाती है, और समान किस में रहती है म्यूसिस सेकेंड में। बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है इसके लिए, प्याज का पराग कोष होता है ना, और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, बदलती नहीं है, निरंतर एक समान बनी रहती है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।